हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। आज मैं आप लोगों के लिए एक आहूजा का सेटअप लेकर आया हूँ। आहूजा का सेटअप जो कि मंदिरों पे ज़्यादा चलता है, ये मंदिर मस्जिद वहाँ पे आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सेटअप है। 39,000 यानी 40,000 में 1,000 रुपये पूरे कम, उतने में ये पूरा सेटअप बैठ गया। लगभग 100-150 लोगों तक आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, अच्छा बसता है। लेकिन इससे मुझे एक चीज़ और समझ में आती है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि जब मंदिर वाले 40,000 39,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं तो आपको थोड़ा बड़ा ही सेटअप लगाना पड़ेगा। चलिए, उन बातों में बाद में आएंगे, तो सेटअप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको और एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ मैं। कल से एक सेल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, दिवाली का सेल। इस सेल में मैं आपको कई सारे ऐसे एक्सक्लूसिव आइटम दूंगा जो कि बड़े कम प्राइस में होने वाले हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी होने वाली है, और कई सारे आइटम तो मैं फ्री भी दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, और वहां जाके आपको मेरे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पे आके मुझे फॉलो कीजिए। कल से मैं वहां पे अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो देने वाला हूं, और वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप सेल से कुछ आइटम परचेस करते हैं तो उसका डिलीवरी मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूँ, लेकिन वो कल से स्टार्ट होने वाली है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो अपना लिंक दे रखा है फेसबुक का, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, और इस सेटअप को ध्यान से देख लीजिए। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आज का जो एम्पलीफायर है वो यूएसबी ब्लूटूथ वाला है, यानी कि आहूजा के जो भी यूएसबी वाले एम्पलीफायर हैं, डिजिटल प्लेयर वाले एम्पलीफायर, उन सब में ब्लूटूथ आ चुका है। तो आपका ये झंझट खत्म कि आपको यूएसबी में अभी डुप्लीकेट या फेक मिलेगा। जो भी आप यूएसबी वाला मॉडल लेंगे उसमें आप ब्लूटूथ देखकर ही लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले छोटे मंदिरों का छोटा सेटअप, जिसमें आहूजा का 250 वॉट का एम्पलीफायर रहेगा जो यूएसबी ब्लूटूथ वाला है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सभी एम्पलीफायर्स में जिनमें यूएसबी लगाया आहूजा का, उनमें ब्लूटूथ आ चुका है। तो अभी विदाउट ब्लूटूथ वाला जो भी है आप उसे परचेस ना करें, ताकि आप लोग डुप्लीकेट से बच सकें। इसमें हमने दो स्पीकर्स दिए, 12 इंच वाले SRX 120 DXM मॉडल नंबर है। 511 वाले माइक दिए आहूजा के, 411 वाले माइक दिए हैं, जो कि मंदिरों में आम तौर पे यही सबसे ज्यादा चलते हैं। इन माइक्स के साथ 20-20 फीट का केबल आता है, मतलब लगभग 6 मीटर का एक स्पीकर केबल दिया है हमने, जो कि 150 फीट का है। साथ में दो स्पीकर स्टैंड है जो वॉल माउंट है, ये GS कंपनी की तरफ से आते हैं। आप तो जानते ही हैं GS के स्पीकर स्टैंड और बहुत सारी वस्तुएं आती हैं। ये बॉक्स पैकेजिंग है जिसमें से हमने SRX 120 DXM आहूजा के निकाले हैं। ये 12 इंच के स्पीकर होते हैं, फुल रेंज के 100 वॉट के। तीन छोटे माइक स्टैंड हैं और दो बड़े माइक स्टैंड हैं। ये रहा फाइनली बॉक्स 250 DP का, आप देख सकते हैं। पहले कस्टमर ने 250M लिया था विदाउट USB, बाद में USB यानी कि ब्लूटूथ वाला लिया है। ये बैक साइड है स्पीकर्स का, आप देख सकते हैं। इसी टाइप का सॉकेट होना चाहिए स्पीकर्स में SRX 120 DXM में। दो वॉल माउंट स्पीकर स्टैंड, और ये हैंडल पे आहूजा लिखा हुआ है। इसके लिए हमने वायर उनको जो दिया है स्पीकर का, ये 70-76 का केबल आता है, जो कि काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसे यूज़ कर सकते हैं, डबल कोटिंग होता है। ये यूनिट का अनबॉक्सिंग देख लीजिए। AU40XT लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर वाला यूनिट आता है ये, 40 वॉट का। और उसके साथ एक स्ट्रेंजर का SM6 मिक्सर भी था। सेटअप के साथ में मिक्सर मैंने स्ट्रेंजर का दिया था SM6 का, क्योंकि इसकी क्वालिटी बड़ी शानदार है, इजी टू ऑपरेट। इसमें दो यूनिट थे 40XT के।
आप में से शायद कई लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है। देखिए, हम लोग जो बेस बजाते हैं ना, बेस की आवाज़ को हम लोग अगर नोटिस करें तो बेस से ज़्यादा यूनिट आवाज़ देता है। ये जो 40 वोल्ट का छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, ये बेस से ज़्यादा आवाज़ देता है, क्योंकि इनकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है। और इनका अगर हम लोग डेसिबल काउंट करें तो 4 बेस जब लगाएंगे और 4 यूनिट जब लगाएंगे तो यूनिट 4 की आवाज़ ज़्यादा आएगी। ये कई लोगों को मालूम नहीं है ये फैक्ट। डीजे बैन के नाम पे जो ये पॉइंट उछला था, उनमें ये हम लोग बता सकते थे, लेकिन हमने नहीं बताया। ये स्पीकर का वायर जोड़ दिया है मैंने, ऊपर से आप पिंक कलर का केबल भी देख सकते हैं जो मैंने ऑक्सिलरी वन में कनेक्ट किया है, जो मिक्सर का है। यूनिट जो रहेंगे कॉमन 100 पे लगेंगे, स्पीकर्स जो रहेंगे कॉमन 8 या कॉमन 4 पे भी लगा सकते हैं। दो लगाएंगे तो कॉमन 4 पे लगाने होंगे हमें। मिक्सर में हमने ऊपर के चैनल 2 में हमने माइक लगा रखा है, बैक साइड एम्पलीफायर का, और यहां से ऑडियो आ रहा है। ये स्पीकर्स हमने कनेक्ट कर दिए हैं, ये TRS पिन से यानी कि जैक पिन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और हम लोग अगर कॉमन 8 ओम्स पे वायर लगा देते हैं तो भी ये कनेक्ट हो जाएंगे। माइक स्टैंड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप देख ही सकते हैं। और ये ब्लू डॉट जो दिख रहा है, ये BT का साइन है, ब्लूटूथ का साइन है, और इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है स्पीकर बॉक्स का। आप अगर कम बजट में देखना चाहते हैं तो ये अच्छा सेटअप बन जाएगा, और अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए ये बहुत छोटा हो जाएगा। आप मतलब प्रोग्राम कितने का लेंगे इसको लेने के बाद। और वॉल माउंट स्टैंड तो आपके किसी काम में नहीं है प्रोफेशनल लोगों के, ये मंदिरों में ज़्यादा चलते हैं, मस्जिद में ज़्यादा चलते हैं। ये ओपन के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, जहाँ आप ओपन में लगा रहे हैं, जहाँ आपका हॉल नहीं है। हॉल में आपका आवाज़ बहुत घूमेगा, इको करेगा, इसीलिए ये सेटअप आप ओपन में लगा सकते हैं 100-150 लोगों के लिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डिटेल मेरा कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।